अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि सब आप लोग घर में खैरियत से होंगे और अपने बड़ों का ख्याल रखेंगे। उसके बाद जो हम जो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपको लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं वो है नेशनल पब्लिक हाई स्कूल एंड एकेडमी NPS 19 ऑफिशियल, जिससे आपको लेक्चर्स में यूज़फुल थिंकिंग नज़र आती है, आपको पता चलता है कि आप लोगों ने किस तरह आगे बढ़ना है या किस तरह आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने जैसे देखा होगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, जो टेंसेस के लिहाज से सबसे पहले आता था, इंडेफिनिट आता था, फिर हमने पढ़ा था कंटिन्यूज आता है, फिर फ्यूचर परफेक्ट आता है और फिर परफेक्ट कंटिन्यूज आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि हमने पहले पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। ठीक है, पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि जो है उर्दू फिक्र के एंड पे क्या आता था, ता ती ते वगैरह आते थे, जिसकी बेस पे हमने पढ़ा था कि हम उसको प्रेजेंट कर सकते थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस है। अब आपको ये देखने के मिलेगा कि जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो मोस्टली सेम ही हम लेके चलेंगे। जिस तरह आपने पीछे प्रेजेंट में पढ़ा था इसी तरह आप पास्ट में उसको पढ़ेंगे, कुछ भी थोड़ी सी डिफरेंस आते होंगे वो आप देखते हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि उसकी आइडेंटिफिकेशन के किस बेस पे हमें पता चलेगा ये पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कुछ भी फ्यूचर टेंसेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है उर्दू फिक्र के आखिर में ता ती ते, ये तो आपको पता है कि जब भी आपके पास पास्ट टेंसेस आएंगे तो वो गुजरा हुआ जमाना होगा, तो वो गुजरा हुआ जमाना तब प्रिटेंड करेगा कि जब ता ती ते वगैरह आएंगे। उसके बाद एक सिमिलैरिटीज इसके अंदर है कि अली छोटिए या भड़िए आता है किसके एंड पे, जो हम उर्दू फिक्र के एंड पे देखते हैं कि किसको प्रेजेंट कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट को। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि हमने पता चल गया हमें आइडेंटिफिकेशन के, तो हम आपको एग्जांपल या मिसाल के तौर पर ये करते हैं कि हमने खाना खाया या वो कल आए थे, ये सारा उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है कि ये ता ती ते अली छोटी है भड़ी है किस चीज़ को फॉर्म में आ रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर पढ़े थे अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव यानी जिनको हम नहीं में इस्तेमाल करते हैं। इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर हमने देखने की जिसकी बेस पर हमने उर्दू से इंग्लिश को कन्वर्ट करना है, उसमें हमने सबसे पहले देखा था अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव जिनको हम नोट किया नहीं में इस्तेमाल करते हैं, और इंटरोगेटिव में हमने पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है नेगेटिव में उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो वो क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान बन जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है कि जिसको हम जिस पर काम कर रहे हो, जो काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट में हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि जो काम कर रहा होता है और सब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है। ठीक है, ये दो बातें हमने पढ़ी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और वहां पे हमने पढ़ा था कि ये क्या फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पे क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ये दो चीजें पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे चेंज ही क्या हुई है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब की, जो हमने वहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी थी, यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़नी है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता है कि क्या होती है, जैसे गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म आ गई, वेंट सेकेंड फॉर्म आ गई और गोन थर्ड फॉर्म आगे। थ्री बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है। हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है और उर्दू से हम इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम चिड़ियाघर गए थे, हम की क्या इंग्लिश होगी, वी, जाने की क्या इंग्लिश होगी, जैसे गो था, जाना गो होता है ना, तो हम गो को हम सेकेंड फॉर्म में लेके आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वेंट टू जू, वी वेंट टू जू। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे उसने फकीर की मदद की, उसने फकीर की मदद की, ही हेल्प द बैगर, उसकी इंग्लिश जैसे आपको ही शी में थोड़ा आ रहा होता है तो यहाँ पे उसको उर्दू फिक्र में वो आपको बता देता है कि ये ही आता है यहाँ पे या शी आता है। उसने फकीर की मदद की तो क्या आ जाएगा, ही हेल्प, हेल्प की दूसरी सेकेंड फॉर्म क्या है, हेल्प, और फकीर की इंग्लिश क्या आ जाएगी, ही हेल्प द बैगर। अब जो है वो थर्ड एग्जाम्पल है, एमन ने झूठ बोला, एमन की इंग्लिश आ गई एमन, टोल्ड लाए, टोल्ड सेकंड फॉर्म, लाए झूठ बोलना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में जो आपको पता था कि इसमें नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सब्जेक्ट आता था, हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट का इजाफा, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आया डिड,
डिड जो है वो डू की सेकेंड फॉर्म है, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा था कि डू आता है या डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, लेकिन डू की अब सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आई है डिड। जब आपको आप जेन में आपके आ रहा होगा कि हमने पीछे एफर्मेटिव में हमने बात की थी कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो हमने नेगेटिव में क्यों फर्स्ट फॉर्म ऐड कर दी? क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डू जो डू है उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? डिड। तो नेगेटिव के तो नेगेटिव में जो है पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो बनता है वो क्या बनेगा हमारे पास? डिड है। तो एक सेंटेंसेस के अंदर हम दो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लेते, तो जब हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड ले लिया डू की, तो हम जो है दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बजाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इजाफा करेंगे। तो इस तरह हमारे पास पता चलेगा कि हमारे पास एक ही सेंटेंसेस के अंदर दो फॉर्म ऑफ वर्ब्स एक तरह के नहीं यूज हो सकते। आगे हम बात करते हैं कि उसकी एग्जांपल की, तुमने चाय नहीं पी, यू डिड नॉट टेक टी। यू आया तुमने, आगे डिड आया हेल्पिंग वर्ब, नॉट आया हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी टेक और ऑब्जेक्ट क्या था? टी, जिस पर काम कर रहे हैं। तुम उसने तुम्हें मुबारकबाद नहीं दी, ही डिड नॉट कंग्रेचुलेट यू, ही डिड नॉट कंग्रेचुलेट यू। आगे हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव तो सिंपल आपको पता चलता है कि जहाँ पे जो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सबसे पहले आ जाता है, जो सब्जेक्ट से पहले आता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से हमें पता चलता है ये सवाल या निशान है। क्या सादिया ने खाना पकाया? डिड सादिया कुक द फूड। क्या तुमने एक घंटा पढ़ा? डिड यू रीड फॉर वन आवर। ठीक है, ये सारा आपको पता है कि सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर हमने राइट डाउन किया है उसी के बेस पर सारा हमने इसको गो थ्रू किया, सारा हमने उर्दू से इंग्लिश में आना कन्वर्ट किया। अब ये जो आपको एक्सरसाइज नज़र आ रही है, ये एक्सरसाइज बेसिकली आपने खुद करनी है। ये आपको 5 से 6 सेंटेंसेस फिक्रे आपको यहाँ पे दिए गए, आपने इसको खुद गो थ्रू करना है कि आपको कितनी समझ आई है कितनी नहीं आई। अगर आपसे ही हुआ तो आपने कमेंट में आके बताना है कि हमने ये कम्प्लीट कर लिया है, तो कम्प्लीट कर लिए, हमें हमसे ये हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको जितना भी लेक्चर डिलीवर किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, पास्ट इंडेफिनेट का, तो आपको सारा कुछ समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट इंडेफिनेट में क्या आइडेंटिफिकेशन ऐसी है कि जो सेम है, सिमिलैरिटीज है, और कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस बस इतना था कि यहाँ पे हमने जो है वो अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड की थी और पास्ट में हमने सेकेंड फॉर्म ऐड की है। नेगेटिव में इतना डिफरेंस है कि वहाँ पे हमने डू डज इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हमने डिड इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे भी हमने डिड का इजाफा किया है। आई होप सो आपको ये सारा कुछ समझ आ गई होगी और आपने ये खुद एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट करके आपने कमेंट में बताना है कि आपको कितने समझ आए। थैंक यू।